कंसीडर द ग्रामर एस डिराइव्स एस एंड एस डिराइव्स बी ए डिराइव्स एस ए एंड ए डिराइव्स ए ओके हियर द नॉन टर्मिनल्स आर कैपिटल एस एंड कैपिटल ए एंड द टर्मिनल्स आर ए एंड बी ओके एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओके तो इस प्रॉब्लम के लिए जो ग्रामर है अगर इस ग्रामर को देखें अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना होता कि एक जी एस एल आर वन ग्रामर तो आपको ये एल आर जीरो ऑटोमेशन को भी कंस्ट्रक्ट करने की नीड नहीं थी ओके बसरते आप ये समझ जाते कि ये ग्रामर क्या है ये ग्रामर एम्बिगुअस है ओके और आप जानते हैं कि एम्बिगुअस ग्रामर कोई सी भी एल आर ग्रामर नहीं हो सकती है चाहे फिर एल आर जीरो ग्रामर चाहे एस एल आर वन चाहे एल एल आर वन चाहे सी एल आर वन ग्रामर ओके ये ग्रामर एम्बिगुअस है तो इज जी एस एल आर वन ग्रामर द आंसर इज स्ट्रिक्टली नो अब बात करते हैं मिनिमम साइज ऑफ कैनोनिकल कलेक्शन तो उसके लिए ये एल आर जीरो मीन्स का ऑटोमेशन कंस्ट्रक्ट किया गया है काफी कॉम्प्लिकेटेड है ओके लेकिन इतने आप कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं इसको बनाया जा सकता है ओके सो द टोटल स्टेट्स फ्रॉम आई जीरो टू आई सेवन इट मीन्स मिनिमम साइज इज 8 टोटल कॉन्फ्लिक्ट की बात करें आई जीरो में एक भी रिड्यूस नहीं है जहां पर रिड्यूस मूव होगा वहीं पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है तो यहां पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है आई वन में अगर बात करें तो यहां पर ये रिड्यूस मूव है लेकिन ये ग्रामर का पार्ट नहीं है तो इसकी वजह से फिर और कोई रिड्यूस मूव है नहीं तो और कुछ हम देखेंगे नहीं ओके यहां पर आई टू में रिड्यूस मूव नहीं है आई थ्री में और आई फोर में रिड्यूस मूव है लेकिन सिंगल एल आर जीरो आइटम है तो फिर सिंगल में नहीं हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट कम से कम दो एंट्री चाहिए ओके नाउ कम टू आई फाइव अगर आई फाइव की बात करूं तो आई फाइव में मुझे रिड्यूस एंट्री दिखाई पड़ती है रिड्यूस आइटम ये है ओके अब मुझे आंसर करना है टोटल कॉन्फ्लिक्ट ये रिड्यूस्ड एंट्री दिख गई तो अगर देखो आप यहां पर अगर इसको मैं बोलूं शिफ्ट तो क्या ये दोनों आर और एस मिलके शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट बनते हैं कहता अगर फॉलो ऑफ कैपिटल ए में अगर फॉलो ऑफ ए कंटेन्स डॉट के बाद वाला टर्मिनल दैट इज बी इट मींस इट इज एस आर कॉन्फ्लिक्ट तो फॉलो ऑफ ए मैंने पहले ही कंप्यूट कर लिया है ए कॉमा बी चूंकि बी कंटेन हो रहा है इसके फॉलो में एंड देयरफॉर ये दोनों क्या हैं एस आर कॉन्फ्लिक्ट हैं ओके अगर यही रिड्यूस एंट्री रखूं और अब की बार शिफ्ट किसको बोलूं इसको बोलूं तो क्या ये दोनों मिलकर के शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट हैं यस अगर फॉलो ऑफ कैपिटल ए कंटेन्स ए इट मींस इट इज अ शिफ्ट एंट्री एंड ओवरऑल शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट तो दो शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट तो आई फाइव स्टेट से हमको मिले हैं ओके आई सिक्स में रिड्यूस्ड आइटम नहीं है कोई तो यहां से कुछ आपको मिल नहीं सकता है आई सेवन में आओ तो यहां से ये क्या है रिड्यूस्ड एंट्री है और अगर एक बार इसको शिफ्ट बोलूंगा और एक बार इसको शिफ्ट बोलूंगा बाकी किसी को शिफ्ट नहीं बोल सकता क्योंकि डॉट के बाद नॉन टर्मिनल है ओके तो अगर एस के फॉलो में ए आता है तो ये शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट है अगर एस के फॉलो में बी आता है तो ये शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट है एंड देयरफॉर ये भी दो शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट है टोटल कॉन्फ्लिक्ट्स कितने हो गए 4 एस आर कॉन्फ्लिक्ट आर आर कॉन्फ्लिक्ट 0 है ओके एंड टोटल नंबर ऑफ इनएडिक्वेट स्टेट्स आई फाइव एंड आई सेवन ओके 2 ओके एंड दैट्स डन